दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा और मैं आपके लिए लाया हूं ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट आप कहां कहां कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप नियरेस्ट परी चौक के पास अल्फा में कर सकते हैं, बीटा कर सकते हैं, गामा कर सकते हैं, डेल्टा में कर सकते हैं, स्वर्ण नगरी कर सकते हैं, ईटा कर सकते हैं, गामा कर सकते हैं। जैसे यानी साइज के हिसाब से आपका बजट हो, आप उस हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ 40 स्क्वायर मीटर से। 40 स्क्वायर मीटर आपको मिल जाएगा साइज, जो एक लोअर बजट है। इसका बजट भी आप मान के चलें तो तकरीबन आपको आज की डेट में ग्राउंड फ्लोर बना हुआ जो 40 मीटर का है, 80 लाख के आसपास मिलता है। आप 60 मीटर में जाते हैं तो 60 मीटर ग्राउंड फ्लोर आपको 1.10 से स्टार्ट होता है। अगर अच्छा बना हुआ है तो 1.10 के आसपास, नहीं तो बहुत बढ़िया बना हुआ है तो 1.15 के आसपास। आप 3 मंजिल में जाते हैं तो आज की डेट में 1.30 से 1.40 का प्राइस चल रहा है। लोकेशन वाइज प्राइस है सर, और बहुत अच्छी लोकेशन होती है तो उसके मैक्सिमम 140 के आसपास होते हैं, जिसके 3 फ्लोर्स बने हैं। इसके आप आ सकते हैं। इसके बाद जो साइज आता है वो साइज आता है 60 के बाद में आपका 100 मीटर का। आप 100 मीटर में भी ले सकते हैं। 100 मीटर में मेरे पास नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में एक यूनिट है जो कि 18 मीटर रोड पे है, अल्फा फर्स्ट में है, और ये आपको मिलती है 3 CR के अंदर। और इसके बाद जो साइज आता है सर, वो आता है 120 का। 120 आपको मिलता है, वो मिलता है आपको बीटा और गामा में या डेल्टा। फिलहाल मैं आपको इधर के सेक्टर में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जो अलग से सेक्टर है उनके बारे में बताऊंगा। तो ये भी आपको मिल सकता है। इसके बाद साइज जो आता है वो आता है 150 का। ये 150 का साइज जो है सर, वो आपको अल्फा में मिलता है, अल्फा फर्स्ट और सेकंड के अंदर में। इसके बाद साइज जो आता है आपका, वो आता है आपका 200 मीटर का। 200 मीटर के बाद में जो साइज आपका आता है, एक साइज आता है सर 250 मीटर का, और दूसरा साइज आता है 275 मीटर का। इसके बाद एक साइज जो आता है वो आता है 350 मीटर का। तो आप अगर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के साइज में आपको पूरे बता रहा हूँ। इसके बाद आता है 350 के बाद में आपका 450 मीटर, जो कि आपको डेल्टा थर्ड में मिलता है एम और एन ब्लॉक के अंदर। तो लोकेशंस बहुत हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सीरियस हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। अब आ जाते हैं ईटा पे। ईटा में जो आपको साइज मिलते हैं, वो साइज मिलते हैं आपको 200 मीटर, 300 मीटर और 500 मीटर, 750 मीटर और 1000 मीटर। तो ये साइज आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप इस पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको देखिए, नहीं तो फिर आप दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पार्ट आता है स्वर्ण नगरी का, सेक्टर 36 का, 37 का, और सामने ही बिल्कुल गोल्फ कोर्स के अपोजिट साइड में P3 का। इसके अंदर जो साइज आते हैं सर, वो साइज आते हैं 200 मीटर, 120 मीटर, 60 मीटर P3 के अंदर। और इसके बाद अगर आप स्वर्ण नगरी देखते हैं तो आपको स्वर्ण नगरी में साइज मिलते हैं 200 और 288 मीटर के। अब आते हैं सेक्टर 36 में। सेक्टर 36 में आपको 40 मीटर भी मिलता है, 60 मीटर भी मिलता है, और आपको इसके अंदर 90 मीटर भी मिलता है, 120 मीटर भी मिलता है, 112 मीटर भी मिलता है, और 200 मीटर भी मिलता है, 275 मीटर भी मिलता है, 350 मीटर। तो साइज बहुत है। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, जो 350 मीटर के आसपास के मैं आपको साइज बता रहा हूँ, कॉर्नर्स के साइज, और वैसे भी अगर आप जाते हैं तो 350 मीटर के आपको अलग से प्लॉट्स भी मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइज हैं। आपका जो बजट है उस बजट के हिसाब से आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। इसके बाद आपके लिए आते हैं 37 में। 37 में आपको दो ही साइज मिलते हैं, 120 और 200 का। तो आप यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने वाली बहुत जगह है। अब जाते हैं अगर चाईफाई, तो चाईफाई में भी आपको बहुत अलग अलग डिफरेंट साइज मिलेंगे, लेकिन वहाँ सारे बड़े साइज हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं सर। इसके अंदर में आपको इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने वाली कोई जगह नहीं मिलने वाली। और आपका अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहले से, तो आपको पता होगा कितना बेनिफिशियल है। आज की डेट में आप ये देखिए, अल्फा की जो अलॉटमेंट है वो 850 रुपये का प्राइस था, और आज की डेट में लगभग 1.5 लाख रुपये मीटर से ऊपर का प्राइस है। 1992 में अलॉटमेंट हुई थी, 91 लास्ट में हुई थी, दिसंबर आई थिंक सो नवंबर दिसंबर में हुई थी। तो आप 92 ही समझें, 92 से लेके अब तक 850 रुपये के प्राइस का प्राइस जो बन गया, वो बन गया 1.5 लाख रुपये से 1,60,000 रुपये मीटर। तो कितना डिफरेंस आ चुका है आप ये देखिए। तो यहाँ से अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपका बजट जो है इन रेजिडेंशियल प्लॉटों में नहीं बनता है, आप चाहते हैं कि आपके लिए थोड़ा सा वो उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज भी हों, तो वो फिर आप ले सकते हैं किसान कोटा 6% के अंदर में। उसके अंदर में आपको
अदर अदर साइज मिलेंगे, आपके बजट में मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है जो प्राइस है वो लगभग 1,00,000 रुपए मैक्सिमम मीटर का है, नहीं तो उससे नीचे नीचे के प्राइस है। तो आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसके अंदर आप 50% जो है कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं, बाकी रेजिडेंशियल कर सकते हैं। आप उसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं, जैसे सजेस्ट करें आप जो है उसके अंदर गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, या आप पीजी बनाना चाहते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जाके देख सकते हैं कासना के अंदर में इतने पीजीज बन चुके हैं 6% के अंदर में ही, कि आपको दूर से ही दिख जाएंगे कितने पीजीज वहां पर चल रहे हैं, कितने जो है गेस्ट हाउसेस चल रहे हैं। तो आपकी समझ में आएगी सबसे अच्छा और सुंदर और सस्ता इन्वेस्टमेंट आपका किसान कोटा 6% के अंदर में है। और इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहीं खराब होने वाला नहीं है। लोगों के मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं कि इतना रेट बढ़ रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें। देखिए इन्वेस्टमेंट करने वाली बात है तो आप यमुना में देखिए 2020 के अंदर में जो है 300 मीटर का प्राइस 30,00,000 रुपए होता था, आज वहाँ का प्राइस जो है 2 करोड़ से अप है। तो आप ये मान के चलिए इन 4 सालों में कितना बूम हुआ है। दूसरी बात, जब जब रेट यमुना का बढ़ता है तब तब रेट ग्रेटर नोएडा का भी बढ़ता है। और आने वाले टाइम के अंदर में जैसे ही एयरपोर्ट ये स्टार्ट हो जाएगा, एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद आप देखेंगे फिर से बूम चलेगा, और जो यमुना का बढ़ेगा तो उसके साथ साथ ग्रेटर नोएडा भी बढ़ेगा। नहीं तो आप ये देख के चलिए कि क्या प्राइस थे आज से 2 साल पहले भी, अगर आपने प्राइस देखे होंगे 70 से 80 लाख रुपए के अंदर में बहुत बढ़िया 3 मंजिल का 60 मीटर का बना हुआ किसी भी सेक्टर में मिल जाता था। आज की डेट में आपको वही प्राइस में 130 से 140 बता रहा हूँ, तो प्राइस तो बढ़ ही रहे हैं ना। जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ उसके बाद में फिर ये प्रॉपर्टी आपकी रेंज से बाहर हो जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप अभी कर लें, आगे के लिए ना सोचें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, और कोई भी क्वारी कर सकते हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करने का मन हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।